नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, जैसे कि आपने अभी मैसेज पढ़ा होगा व्हाट्सएप का, इस वीडियो में हमने पहले ही प्रूफ दिया है कि ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह पहले से ही किसी से हमने करवाया है और वह सफल हुई हैं क्योंकि उन्होंने सटीकता से करा है। तो बंधुओं, ये उपाय आप सिर्फ किसी एक इंसान पर कर सकेंगे और चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और जिस दिन आप ये उपाय करेंगे, आपको यदि आप शराब पीते हैं या फिर मांस मच्छी खाते हैं तो वह आपको नहीं करना है उस दिन उसका सेवन नहीं करना है और उसके अगले एक हफ्ते तक आपको ये नहीं करना है, मांस और मच्छी का सेवन और शराब का। बंधुओं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यह उपाय एक एकांत कमरे में करना है, जहाँ पर करना आपको सुबह है 8 बजे सुबह। मगर याद रखिएगा कि ऐसी जगह करिए कि जहाँ पर अंधेरा, जितना ज़्यादा अंधेरा हो सके वहीं पर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा हो। और बंधुओं, आपको एक गिलास में पानी रखना है और आपको एक मोमबत्ती रखनी है जो आपके इस उपाय के साक्षी होंगे, अग्नि और जल। तो आपको जला देना है, मोमबत्ती हो तो मोमबत्ती, दिया हो तो दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखना है साक्षी ताकि आप उपाय कर सकें। उसके बाद आपको आटा लेना है, आटे से आपको इंसानी रूपी आकृति बनानी है। मान लीजिएगा ये सर है, उससे पहले आपको एक बड़ा पत्ता लेना है जिसमें आपको रखना है, साफ सुथरा कर देना है, इसको धो लेना है। उसके बाद आपको आटे से उसके ऊपर आपको एक इंसानी रूपी वो बनानी है आकृति, और आपको आंख के लिए लौंग लेनी है। मान लीजिए ये आपने आंख बनाई है, दूसरी भी आपको लौंग लेनी है, कम से कम आपको दो आंखें तो बनानी है। आप चाहें तो नाक भी बनाना चाहें या मुंह बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, मगर आपको आंख तो जरूर बनानी है। फिर आप अपने अनुसार पूरी जल्दी से बना देंगे। मान लेते हैं पत्ते के अंदर ही आए सब कुछ जो भी आप बना रहे हैं। ऐसे ही हम टांग भी बना देंगे। तो बंधुओं, ये हमने आकृति बना दी है उस इंसान की जिसका आपने वशीकरण करना है। अब आपको क्या करना है, आपको टीका लगाना है इस पत्ते पर आपको टीका लगाना है। अब आपको मंत्र जपना है, मगर आपको पहले हाथ में अपने गुड़ रखना है और मंत्र जपना है, ओम क्लीम नमः। एक बार जपा, मगर आपकी आंखें मंत्र जपते समय इसकी आंखें पे होनी चाहिए जिसके लिए आप वशीकरण कर रहे हैं। आपको ये ध्यान लगाना है कि ये जो आपने आकृति बनाई है यही है वो इंसान जिसका वशीकरण कर रहे हैं, और उसकी आंखों में देखते हुए आपको गुड़ हाथ में लेके या फिर कुछ भी मीठी चीज हो उसकी आंखों में देखते हुए आपको मंत्र पढ़ना है, ओम क्लीम नमः। जब आप पढ़ लेंगे
एक बार तो आप इसके ऊपर की तरफ रखेंगे, फिर दूसरी बार रखेंगे, बोलेंगे ओम क्लीन नमः, इसके जो इसका सीधा हाथ है उसकी तरफ रखेंगे, फिर आप जपेंगे ओम क्लीन नमः, इसके उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे, और आखिर में एक बारी और ओम क्लीन नमः बोल के इसके पैरों की तरफ रखेंगे। बंधु आपको जो मोमबत्ती है या फिर दिया आप जला के रखिएगा, ऐसा बंदोबस्त करिए कि वे जली रहे। अब उसके बाद आपको यही मंत्र ओम क्लीन नमः 51 बार बोलना है आंखों में देखते हुए, जो आपने बनाई है आकृति उसकी आपको एक आंखों में देखते हुए और विनम्र भाव से बोलना है आपको। आपके मन में विनम्र भाव होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका वशीकरण करना चाहते हैं उसके साथ आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के लिए कर रहे हैं। इसलिए विनम्र भाव से आंखों में देखते हुए आपको यह 51 बार जपना है। अब जब आप यह उपाय कर चुके होंगे तब आपको क्या करना है, जो आपने पानी लिया था यह पानी आपको चढ़ाकर आ जाना है किसी भी गमले में। ये पानी और जो अग्नि ली थी हमने साक्षी के लिए लिए थे कि आपने ये उपाय करा है एकांत में करा है, कोई और इंसान आपको ना देख रहा हो ऐसा ख्याल रखना है आपको। और ये जो आपने दिया जलाया था आप चाहे तो दिया जले रहने दीजिए जब तक वह जलता है, और आप चाहें तो उसको बुझा भी सकते हैं। अब रही बात इन गुड़ की आकृति की और पत्ते की, इसको क्या करना है, इसको आपको किसी भी थैले में डालकर आपको रखकर आना है किसी बरगद के पेड़ के नीचे। बंधुओं आप पूछेंगे कि बरगद का पेड़ ना हो तो आपको हम बताना चाहेंगे, फिर आप अशोक के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। यदि आपके आसपास अशोक का पेड़ भी नहीं है तो बंधुओं हम आपको यही बोलेंगे किसी ऐसे पेड़ के नीचे रखिए जिस पे फल नहीं लगता हो, मगर आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप बरगद के पेड़ के नीचे रखिएगा। जो हमने महिला को बताया था उनको उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे ही रखा था। और फिर आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ी सावधानियां बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। ये जो आपने जल लिया है ये किसी कांच के गिलास में होना चाहिए या फिर प्लास्टिक के गिलास में, यानी कि जिससे कि आर पार दिख रहा हो। और जो यदि आप मोमबत्ती ले रहे हैं तो सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, या फिर आप दिया जलाइए तो दिया जलाएंगे तो देसी घी का होना चाहिए। और ये जो गुड़ लिया है आपके पास पहले से ही टुकड़े हों गुड़ के अलग से, और ये जो आटा है ये गुदा हुआ आटा हुआ हो और ये अलग से गूंदना है। ये ऐसा ना करें कि आपने घर के खाने के लिए रोटी बनाने के लिए आपने आटा ले रखा था और उसी का आपने इस्तेमाल कर लिया, जी नहीं, आपको उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना है, अलग से बनाना है इसके लिए आपको। और जो हम टीका लगाया है वह तो जो हम अपने मंदिरों में टीका लगाते हैं वह टीका आप लगाइए, उसका इस्तेमाल करिएगा। और बंधु ये जो हमने पत्ता बताया है ये पत्ता आप किसी भी पेड़ का ले सकते हैं, मगर पत्ता बड़ा होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पूरा समा गया है। आप केले के पेड़ का पत्ता भी ले सकते हैं या ऐसा पत्ता भी ले सकते हैं, कोई सा भी पत्ता होना चाहिए जिसका आप इस्तेमाल कर सकें। तो बंधु ये जो हम आपको बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिए तभी आपका ये उपाय हो पाएगा, और ये उपाय किसी एक इंसान के लिए ही कर सकेंगे आप। और मंत्र हमने बताया ओम क्लीन नमः। और बंधु एक बात और, यदि आपको हमारे वीडियो के नीचे कोई मैसेज छोड़ जाता है, अपना नंबर दे जाता है, तो उसको संपर्क ना करिएगा। हम आजकल देख रहे हैं हमारे वीडियो के नीचे मैसेज छोड़ जाते हैं लोग, मगर और उनसे आप संपर्क मत करिएगा, वो आपसे पैसे लेने के लिए ही करते होंगे, हम किसी से एक रुपया भी नहीं लेते हैं। यदि आपको कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे हमसे पूछिएगा, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। और बंधु चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो आप दोनों कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा किसी एक इंसान के लिए ही करिएगा, दूसरी बार किसी दूसरे इंसान के लिए करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा।
और यदि आपको पहली बार में किसी इंसान के लिए नहीं हो पा रहा है तो दूसरी बार में आप कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बार सफलता मिलते ही दूसरी बार सफलता नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बार ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप गुड़, पत्ता, अगरती, ये सब आपको रखकर आना है पेड़ के नीचे जो हमने बताया है। धन्यवाद।